गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कशन अबाउट MLAs. ओके, MLAs वर्क एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट. चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि सरकार को कितने स्मूथली रन किया जाए, कितना स्मूथली विदाउट एनी डिफिकल्टीज जितनी भी पब्लिक डिमांड्स हैं उनको, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाए. ओके, वी यूजुअली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज़ चैनल और इन द न्यूज़पेपर. तो हम सामान्यतः हम अक्सर सुना करते हैं जो भी मतलब ये आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर, इनकी स्पीच वगैरह या जो इन्होंने हमें वादे दिए हैं कि हम ये रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, पब्लिक डिमांड्स पूरी होगी, तो ये सब हम न्यूज़पेपर में देखा करते हैं, न्यूज़ चैनल्स में देखा करते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें है. वॉट एवर डिसीजंस आर बीन टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर. और जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो 50% से ज़्यादा जितने भी वहाँ मेंबर्स होते हैं उनकी अप्रूवमेंट उसमें लगती है, तब जाके वो कोई डिसीजन आगे बढ़ता है. ओके, डिबेट एंड इम्पॉर्टेंट इशू डिसाइड व्हेन, जैसे कि जितने भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं तो टैक्सेस उन पैसों को कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, किस फॉर्म में खर्च करना है, वो सारे डिसीजंस वहाँ के मेंबर लेते हैं. जितने भी MLAs होते हैं उनकी अप्रूवल लगती है उसमें. ठीक है, नाउ MLA 1. अब देखिए इनकी सजेशन है कि इनका क्वेश्चन है, ये अभी हम पढ़ते हैं. इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंड गांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 वीक्स, मतलब पिछले 3 हफ्तों से देयर वर 15 डेथ बिकॉज ऑफ डायरिया. मतलब पिछले 3 हफ्तों में 15 केसेस आए हैं, कि 15 केसेस ऐसे हैं जिनमें डायरिया की बीमारी से, सिंपल बीमारी जो है डायरिया, उसकी वजह से कम 15 लोगों की डेथ हो चुकी है. आई थिंक इट इज़ द शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इट सेल्फ टू बी चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी. तो मतलब उन MLA का कहना ये है कि मुझे तो शर्म आ रही है सरकार पे कि मतलब एक सिंपल सी बीमारी जो कि डायरिया है, जिसकी वजह से 15 लोगों की डेथ हो चुकी है और सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया. इतनी ज़्यादा इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो कोई एक्शन नहीं ले पा रही है. आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर. मुझे मिनिस्टर्स के अटेंशन चाहिए कि उनके क्या इसमें वो क्या कहना चाहते हैं, कि उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया. हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है जिनको ये एक्शन लेना चाहिए. चार्ज टू हेल्थ टू टेक इमीजिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन. मतलब सरकार को तुरंत कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए जिससे कि ये जो डायरिया नामक बीमारी है इससे लोगों को राहत मिल सके. MLA 2 कहते हैं माय क्वेश्चन इज व्हाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच अ बैड सिचुएशन. मतलब अब ये MLA पूछना चाहते हैं सरकार से कि हॉस्पिटल्स की इतनी बैड कंडीशन क्यों है. मतलब हॉस्पिटल्स में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहे हैं, मेडिकल स्टाफ क्यों नहीं अपॉइंट्स किया जा रहा, अच्छे डॉक्टर्स की वहाँ पे अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हो रही है. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग दिस इज एन एपिडेमिक. तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किस तरीके से प्लान करेगी, क्या डीलिंग करेगी जिसकी वजह से लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ पूरी तरह से मिल पाएँ और उनको बीमारियों से छुटकारा मिले. और ये एक तरह से लार्ज नंबर ऑफ पीपल की जो हॉस्पिटल में लंबी लाइन लगने के बावजूद भी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं, तो इसके लिए सरकार हमारे लिए क्या एक्शन लेगी और क्या ट्रीटमेंट हमें प्रोवाइड कराएगी. दिस इज़ एन एपिडमिक. मतलब ये एक तरह से बहुत बड़ी महामारी जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है. MLA 3 क्या कह रहे हैं. माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ टोल पट्टी, मतलब ये टोल पट्टी से हैं, टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. वो कह रहे हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है टोल पट्टी, वहाँ भी पानी की बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है. मतलब कि पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और अगर पानी मिल भी रहा है तो वो पूरी तरह इन्फेक्टेड है, मतलब काफ़ी गंदा पानी है जिसकी वजह से भी बीमारियाँ फैल रही हैं. वुमेन ट्रैवल अप टू 3 or 4 किलोमीटर भी टू कलेक्ट वाटर. मतलब औरतों को कम से कम 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है पानी लेने के लिए, या उनको पानी अगर चाहिए तो उन्हें 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ रही है. हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस टू सप्लाई. मतलब कितने टैंकर्स को ऑर्डर मिले हैं कि पानी गाँव तक, घर घर तक पहुँचाया जाए. अगर टैंकर्स को ऑर्डर्स मिले हैं तो भी घर घर तक पानी क्यों नहीं पहुँच पा रहा है, इसकी पूरी रिपोर्ट चाहिए MLAs को. हाउ मैनी वेल एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड. तो कितने तालाबों को, कितने पोखरों को डिसइंफेक्टेड, मतलब अगर इन्फेक्टेड है तो उनको उनकी साफ सफाई की गई है, ये MLA को पूरी रिपोर्ट चाहिए. नाउ MLA 4. आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जग्रेटिंग
द प्रॉब्लम, मतलब एक एक कहते हैं रूलिंग पार्टी के जो एक एमएलए, ये कहते हैं कि ये जो मेरे साथी हैं ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं जबकि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन, जबकि सरकार ने स्टेप्स ले लिए हैं जिससे कि सिचुएशन जो है हम उनको बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विसेज, वाटर टैंकर्स को सर्विसेज में लगा दिया गया है, वो हर दिन लोगों को पानी प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। ORS पैकेट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ORS के पैकेट्स जो है वो घर घर तक लोगों के यहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल, गवर्नमेंट से जितनी मतलब जितनी क्षमता है उतना कार्य गवर्नमेंट कर रही है लोगों की। एम एल ए 5 कह रहे हैं वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आर हॉस्पिटल्स। एम एल ए 5 कहते हैं कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ के हॉस्पिटल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स है, वहाँ बहुत ही फैसिलिटीज़ बहुत ही गिरी हुई फैसिलिटीज़ है, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ पेशेंट को प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही ख़राब है, लगभग कई सालों से यहाँ नए डॉक्टर्स और नया मेडिकल स्टाफ अपॉइंट ही नहीं किया गया है। इन अनदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव, और दूसरे हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स जो है वो लंबी छुट्टी पर गए हुए हैं। दिस इज़ द शेम, मुझे ये बहुत ही शर्मनाक बात लगती है कि यहाँ पेशेंट बीमारी से मर रहे हैं और डॉक्टर्स जो है वो लंबी छुट्टियों पे हैं। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, अब मतलब मुझे लगता है कि सिचुएशन जो है वो बद से बदतर होती दिखाई दे पड़ रही है। हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज, तो अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि ORS के जो पैकेट्स हैं वो हर घर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएँ। MLA 6 कह रहे हैं द अपोजिशन मेंबर, ये अपोजिशन मेंबर है रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो मेंबर है उन्हें अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स कहा जाता है। अपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि जो अपोजिशन मेंबर्स हैं वो जबरदस्ती में हमारी सरकार पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं है। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, जो हमारे से पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बिल्कुल भी साफ सफाई में ध्यान नहीं दिया, पिछले सरकार के ही इतने कचरे इकट्ठे, हम तो अभी उन्हें साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हमने साफ सफाई की भी स्कीम चलाई हुई है और हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं कि हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें। नाउ टर्न एट पेज नंबर 36। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, अभी हमने पुराने सेक्शन में क्या देखा, लेजिस्लेटिव असेंबली के डिबेट सजेशन एंड जो भी क्वेश्चन थे ओपिनियंस थे ये हमने पढ़े। द मेंबर वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे क्या डिबेट हुई है कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन से एक्शन लिए गए और कौन से नहीं लिए गए या कौन से लिए जाने चाहिए। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, ये ऐसा इसलिए क्योंकि सारे MLAs एक साथ जिम्मेदार होते हैं कि लोगों की पब्लिक डिमांड जो होती है उनको पूरा करना चाहिए, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि MLAs को लोग चुनते हैं, इसकी वजह से MLAs को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। इन कॉमन यूजेज द वर्ड गवर्नमेंट रेफर्स टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर हु हेड देम, तो गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों का वहन करें। ओके, द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर, जो पूरा ओवरऑल हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। मोर करेक्टली दिस इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट मतलब फंक्शनाइज कराने वाला पार्ट होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल इन लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर, जब सारे MLAs इकट्ठा लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होते हैं तो उन्हें लेजिस्लेचर कहा जाता है। अंडरस्टूड, ऑल द MLAs हु गैदर टुगेदर असेंबल मतलब इकट्ठा, जब सारे MLAs लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठा होते हैं डिस्कशन के लिए फॉर डिबेट तो उन्हें लेजिस्लेचर कहा गया है। दे आर द वंस हु ऑथराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, MLAs ही वो होते हैं जो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं या जितने डिसीजन होते हैं उनको ऑथराइज और सुपरवाइज करते हैं कि ये काम हो रहे हैं ढंग से या नहीं हो रहे हैं। एज वी सॉ इन द अर्लियर सेक्शन, हमने पुराने सेक्शन में देखा, इट इज़ From among them that the head of the executive or the chief minister is formed. तो head of the executive किसे कहा गया है, chief minister को, head of the executive chief minister को बनाया गया है। अब देखिए working of the government अगर हम देखें, the legislative assembly is not the only place where opinion are expressed, तो legislative assembly वो जगह नहीं है जहाँ केवल अपने opinions को रखा जाए। द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांड, यहाँ पे सरकार क्या काम कर रही है और लोग उनसे क्या डिमांड कर रहे हैं वो भी देखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, आप केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही नहीं टीवी चैनल्स पर न्यूज़पेपर पर ये सारे के सारे और भी ऐसे अदर ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस करते हैं।
इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज, तो डेमोक्रेसी में कई ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू पब्लिक अपनी प्रॉब्लम्स या डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सकती है. इन अ डेमोक्रेसी देयर आर वेरियस वेज थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ऑल्सो टेक एक्शन. लेट अस लुक एट वन सच वे. तो बाकी का जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे. फॉर टुडे इट्स एनफ. थैंक यू सो मच.